चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक अशोक सजनहार। अशोक सजनहार, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? भारत के लिए एक अवसर भी है वहां पर, और ह्यूमैनिटेरियन एड देने की और रीबिल्ड करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए यूक्रेन की, जैसे यूक्रेन मदद की अपील कर रहा है, लेकिन एक फाइन बैलेंस भारत को बनाना है। देखिए नगमा, फाइन बैलेंस तो भारत ने बनाया हुआ है, अभी तक बनाकर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रपति पुतिन से बात करते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी बात करते हैं। दोनों से उन्होंने अपने जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं उसको ओपन रखा है। जैसे आपने बताया है, करीब 10 कंसाइनमेंट हमने भेजे हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के, मेडिकल असिस्टेंस के वगैरह यूक्रेन को, और जिस प्रकार की और सहायता है अभी जो एमिने ज़ापारोवा ने और रिक्वेस्ट किया है, मदद की मांग की है, तो उसको भी मेरे विचार से पॉजिटिवली देखा जाएगा और उसको आगे लेकर जाएगा। उसमें हमें हेल्प करने में, सहायता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे पहले नहीं हुई जी। एक बात, जहां तक ये वो जो G20 की जो रिक्वेस्ट है कि G20 की यहाँ पर बैठक जो होगी सितंबर में, उसमें ज़ेलेंस्की को भी मौका दिया जाए। पहले भी उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया है भले अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, तो ये भारत के लिए क्या एक मुश्किल खड़ी कर सकता है? जी हाँ, मेरे ख्याल से ये बहुत पेचीदा मसला होगा। पिछले साल आपने देखा होगा जो बाली में उनको वर्चुअली उन्होंने समिट को संबोधित किया था, परंतु उस समय बहुत ज्यादा प्रेशर था डेवलप्ड कंट्रीज का, अमेरिका का, यूरोप का, जो अगर रूस उसमें सम्मिलित होगा, शामिल होगा, तो फिर ज़ेलेंस्की को भी वहां पर न्योता देना चाहिए। और इसका जो तरीका जो इंडोनेशिया ने निकाला था वो ये था, जो रूस को तो इनवाइट, वो तो G20 का मेंबर है, सदस्य, उसको इनवाइट किया, परंतु एक अपॉर्चुनिटी दी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को। देखिए अभी हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है वो यूक्रेन से आई है, अभी तक मैंने नहीं सुना जो हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव है अमेरिका से या और डेवलप कंट्रीज से। पिछले साल ये कहा था अमेरिका ने, जो अगर ज़ेलेंस्की को आपने इनवाइट नहीं किया तो हम भी इसमें शामिल नहीं होंगे, हम भी ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें सम्मिलित नहीं। लेकिन ज़ेलेंस्की के शामिल होने से क्या रूस की तरफ से कोई दबाव हो सकता है? जी बिल्कुल, वही एक पेचीदा मामला रहेगा जो रूस इसमें, और पिछले साल हम देखते हैं जो राष्ट्रपति पुतिन उसमें नहीं आए थे, समिट में नहीं आए थे, केवल सर्गे लावरोव ने उनका रिप्रेजेंटेशन किया था। तो अभी रूस का ऐसे हो सकता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से जो कंसल्ट करके, अभी तो उनकी तरफ से हमारे पास रिक्वेस्ट आया है, अप्रैल का महीना है, आगे हम कंसल्ट करके देखेंगे जो क्या किया जाए। परंतु आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है जो ये मुश्किल में डाल सकता है, परंतु एक और चीज है, इसको हम देख सकते हैं, जो एक प्रेसिडेंट है इसमें, बाली में एक प्रेसिडेंट है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधित किया था, तो उसको हम देख सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं। परंतु मैं समझता हूं जो भारत इसको बहुत ही सोच समझकर इसके ऊपर जो निर्णय लेना होगा लेगा, परंतु और जो ऐसी डिमांड्स हैं इनकी, फर्स्ट डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर की, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही हम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे और करते रहे हैं। और यूक्रेन की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर आई हैं एमिने ज़ापारोवा, उनके दौरे की क्या इस समय अहमियत है? उससे क्या अब वो एक ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमैनिटेरियन एड की भी मांग कर रही हैं? उसे भारत के स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी खबर का ऐलान किया गया है। देखिए मैं तो समझता हूं जो जब ये आई है प्रथम विदेश मंत्री वहां की, तो उन्होंने शी हैज प्रेस्ड ऑल द राइट बटन, जो उनको कहना चाहिए उन्होंने कहा है, और मेरे ख्याल से शी हैज भारत के जो ICW में उन्होंने जो स्पीच दी है, जो उनका प्रेस के साथ जो उनकी मुलाकात है, जो उनके उन्होंने बात की है, उन्होंने जो भी बातें कही हैं बड़ी ठीक कही हैं, बड़ी अच्छी कही हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से हमें तो कोई, हमारे लिए कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। जो पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा था, जो अगर भारत उधर से तेल खरीद रहा है, तो कुछ ऐसी उन्होंने बातें कही थी जो बहुत अच्छी नहीं थी भारत के लिए, परंतु इन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है। तो आई थिंक वी वेलकम दिस विजिट वेरी मच,
और जैसे उन्होंने कहा है जिसको हम बैलेंस रिस्टोर करने के लिए जी, क्योंकि जी, भारत से तीन मर्तबा हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वहां गए हैं, रूस हमारे विदेश मंत्री भी जा चुके हैं, तो वो उसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए इनको भी यहां पर बुलाया गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये संतुलन बनाने की कोशिश भी है जी। धन्यवाद आपका एम्बेसडर अशोक सजनार की हमें समझाने के लिए।